इनवाइट करने वाले हैं कैटरीना और विकी अपनी रिसेप्शन पार्टी में, ये तो सब जानते हैं। लेकिन कैटरीना और विकी की रिसेप्शन पार्टी में स्पेशली खान फैमिली को देखने का इंतज़ार है। खान फैमिली के उन सभी सदस्यों को देखने का इंतज़ार है जो कि कैटरीना के बहुत करीब है। ऐसे में हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में आज बताना चाहेंगे कि कैटरीना और विकी की शादी के बीच भी जो सलमान काफ़ी व्यस्त रहे हैं। जी हाँ, सलमान खान काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे हैं। सलमान अपनी ही ज़िंदगी में व्यस्त इसलिए रहे क्योंकि उनके पास कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा काम करने में रहे हैं। तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि सलमान खान जो है उन्हें रिसेप्शन पार्टी में बुलाया ज़रूर जा रहा है क्योंकि कैटरीना विकी की 20 तारीख को रिसेप्शन पार्टी बॉलीवुड टाउन में रखी जा रही है। बॉलीवुड सितारों को बुलाया जा रहा है लेकिन सलमान खान का गिफ्ट अभी भी पेंडिंग है कैटरीना के लिए। तो सलमान कैटरीना को शादी की खुशी पर शादी की बधाइयां देते हुए तोहफे में क्या देंगे और अब तक उन्होंने कैटरीना को कितने तोहफे दिए हैं, सारे तोहफों की गिनती हम करने वाले हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं बॉलीवुड अपडेट की तरफ और जानते हैं सलमान खान की तरफ से कैटरीना को मिले सारे तोहफों के बारे में। देखिए रिपोर्ट। इसमें कोई शक नहीं कि बॉलीवुड टाउन जो है कैटरीना की शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी का इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ हम आपको जो बताने जा रहे हैं सलमान खान की गिफ्ट्स के बारे में और कैटरीना के लिए उनके गिफ्ट्स के बारे में, तो आपको बता दें स्पेशल इनविटेशन कैटरीना कैफ की तरफ से, विकी की तरफ से पूरी तरह से सलमान और उनकी फैमिली के लिए रहा। 2.33 करोड़ की रेंज रोवर कार जो सलमान ने कैटरीना को दी, उस कार में ही वो अपने रेजिडेंस जाती नजर आई। क्या आपको मालूम है इससे पहले कैटरीना को सलमान खान ने बहुत ही एक्सपेंसिव जो है सो ऑडी गिफ्ट किया था कैटरीना के बर्थडे पर। जी हाँ, सलमान ने उन्हें ऑडी भी गिफ्ट किया था और इसमें कोई शक नहीं कि कैटरीना को तोहफे सलमान खान से काफ़ी ज़्यादा मिलते आए हैं आज से नहीं सालों से। अभी तक का देखा जाए तो लग्जरियस गिफ्ट जो है कैटरीना को सलमान खान से जो मिला उसके बारे में चर्चा है कि साल 2012 में कैटरीना कैफ को सलमान खान की तरफ से मिला था। जी हाँ, जुलाई के महीने में कैटरीना के बर्थडे पर एक रिपोर्ट कहती है कि ब्लैक एसयूवी जो है कैटरीना को सलमान से ही मिला था जिसे वो शादी के बाद भी अपने पास ससुराल लेकर गई हैं। जी हाँ, अपने ससुराल में अपने न्यू रेजिडेंस में कैटरीना सलमान से मिले तोहफे को लेकर ही गई है। रिपोर्ट कहती है जब YRF स्टूडियो से वो घर आई तो फिर बताया जाता है कि उन्हें बहुत ही प्यारा तोहफा मिला ब्लैक कार के साथ और कुछ दोस्तों के साथ उन्होंने वक्त गुजारा था। ये बताया जाता है कि सलमा सलीम अर्पिता सलमान खान के रेजिडेंस में जब डिनर कर रहे थे तो गैलेक्सी अपार्टमेंट में कैटरीना को भी इनवाइट किया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि तोहफे कैटरीना को सलमान देने से कभी पीछे नहीं हटे हैं। तो विकी कौशल और कैटरीना की शादी में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले बॉलीवुड सितारे अब विकी कौशल और कैटरीना की रिसेप्शन पार्टी की तैयारियां तो कर ही रहे होंगे क्योंकि कुछ ही दिनों का समय रह गया है कैटरीना और विकी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। लेकिन देखना होगा कि इस पार्टी के मौके पर, जी हाँ, शादी के बंधन में बंधने के बाद रिसेप्शन पार्टी के मौके पर जो साथ नजर आएंगे बॉलीवुड सितारों का जलवा कितना देखने को मिलेगा। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे यहीं पर विदा लेने का। देखते रहें ऐसी तमाम खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।